पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, और मैं अभी नाम सोचा नहीं हूँ आप लोगों को इस वीडियो में बताने का, क्योंकि मैं अभी सजेस्ट मुझे बढ़िया नाम मिला नहीं है इस चैनल का। लेकिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उस समय मैं अपना नाम, चैनल का नाम सब कुछ रिवील कर दूँगा, क्योंकि जब वीडियो पर जाएगी जाहिर सी बात है कि उस पर चैनल का नाम रहेगा ही। तो मैं इस चैनल पे, मेरा इस फर्स्ट वीडियो है और मैं तीन टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, टेक, फैशन और फाइनेंस। तो इन तीनों टॉपिक पे मेरा बहुत सारा मेरा पैशन है, इन चीज़ों के बारे में मुझे बताने का, जानने का मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, और मुझे इन तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा भी लगता है इन चीज़ों के टॉपिक पर बात करने का। तो आज मैं इस चैनल पर, मेरा ये पहला वीडियो है और ये मेरा टेक का चैनल है, तो इसमें मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ फ्लिपकोर्ट, ये रहेगा फ्लिप फोर है जो मैं सैमसंग इस वेबसाइट पर परचेस किया हूँ इस फोन को। और ये फ़ोन का MRP है 90,000 रुपीज़, पर मुझे ये पड़ा 78,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट, मतलब अप्रोक्स 78,000 मुझे पड़ा ये फ़ोन। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये रहा फ्लिपकोर। तो हाँ गाइस, चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकोर का अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला कि मैं तीन चैनल ओपन करने वाला हूँ, टेक, फैशन और फाइनेंस, और इन तीनों टॉपिक पे मेरा शुरू से ही बहुत पैशन रहा है। इन तीनों टॉपिक पे बात करने का मुझे बहुत मन करता है, और जब भी मैं इन तीनों टॉपिक पे बात करता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हो जाता हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है टेक चैनल पे, और मैं पहला वीडियो का अनबॉक्सिंग शुरू करने वाला हूँ फ्लिपकोर से। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फ्लिपकोर का अनबॉक्सिंग। और ये है फ्लिपकोर का बॉक्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसका MRP है 90,000 के अप्रोक्स, और ये मैंने 78,000 में लिया सैमसंग ई शॉप से, और कैसे लिया ये मैं बताने वाला हूँ बाद में। तो चलिए गाइस अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये बॉक्स है, तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बॉक्स है एक, और इसमें कुछ यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, और इसमें टाइप सी टू टाइप सी केबल, और ये सिम कार्ड टूल, ये इसे करते हैं बाहर दूर करते हैं। और ये हमारा मेन कंटेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको साइड रखते हैं क्या, और क्या कुछ है इसमें और कुछ नहीं है गाइस। ये है हमारा फ्लिपकोर, ये देख पा रहे हैं आप, ये फ्लिपकोर मैंने पिंक गोल्ड में ऑर्डर किया हो, और इसका तो ये है गाइस फ्लिपकोर, जैसे कि आप इसे अच्छा से देख पा रहे हैं पिंक गोल्ड ये कलर में। और यहाँ मैंने नोटिस किया हूँ पहले के मुताबिक जो फ्लिप थ्री था तो उसका जो है उसका जो साइड था वो थोड़ा राउंडेड कॉर्नर था, और इसका जो फ्लैट हो चुका है, और वो पहले मैट फिनिश में आता था, और इसका जो साइड है ये ग्लॉस फिनिश में है। और यहाँ गाइस पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपका प्राइमरी माइक, और यहाँ पे दो सेकेंडरी माइक दिया हुआ है, ये टाइप सी आपका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पे भी माइक और स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन रॉकर बटन, और ये गाइस साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट रीडर, और यहाँ पे सिम ट्रे का टूल, और यहाँ दो कैमरा, एक फ्लैश लाइट। तो यही है गाइस फ़ोन। और चलिए गाइस मुझे इसे ऑन करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फ़ोन ऑन। जब तक ऑन होता है तब तक इसका फ़ोन का ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे 1.4 mm का, यहाँ पे 1.4 cm का, यहाँ पे कवर स्क्रीन, यहाँ पे लिखा रहा है सैमसंग गैलेक्सी। चलिए गाइस ये फ़ोन ऑन हो चुका है, और इसको हम लोग ओपन करते हैं। फ़ोन ओपन हो चुका है, ये है फ़ोन, फ़ोन बहुत स्मूथ है, बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है। और इसे हम लोग करते हैं फ्लिप। ये फ्लिप फोन, ये गाइस फ्लिप फोन,
तो गाइज ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर लगा, ये पिंक गोल्ड जो कलर है ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और ये जो ग्लॉस फिनिश दे रहा है ये बहुत लग्जरी, एक इससे एक लग्जरी फील आ रहा है, लग्जरी टच दिया है इन्होंने। और यहाँ पे जो कैमरा है तो कैमरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिया गया है, इसमें 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्लस यहाँ पे फ्लैश लाइट दिया गया है, और यहाँ पे गाइज एंटीना बैंड, और इसे हम लोग फोल्ड करने पर इस तरह रखते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं हम लोग, इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं। पहले के मुताबिक जो ये फ्लिप फोन है ये बहुत ही स्टर्डी फील हो रहा है, और बहुत ही पहले के मुताबिक टाइट हो गया है, बहुत प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दिया हुआ है। आप इसे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट मोबाइल है गाइस। और यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कैमरा देख सकते हैं, ये कैमरा है, इसका परफॉर्मेंस इसमें दिया हुआ है 8+10 प्रोसेसर, तो ये है इसका फोन, इसका ये कैमरा, कैमरा में 1x, 5x अल्ट्रा वाइड, 2x, 4x, तो आज हम जूम करके देखते हैं 1x में, ये 2x, ये 4x और ये 10x। फ्रंट कैमरा आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं,